हत्या व भ्रष्टाचार के मामले में 9 महीने जेल में रहने व लंबे समय से सीबीआई की तारीखें भुगतने वाले प्रदेश के पूर्व परिवहन एवं शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश जैन ने किया ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान। पानीपत की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए पूर्व मंत्री, कहा अब कोई गलती नहीं करेंगे। ग्रामीण विधानसभा से जनता की सेवा करने का वादा करते हुए दावा किया कि भाग्य में 3 बार मंत्री बनने के योग, कहा मंत्री नहीं तो कम से कम विधायक जरूर बनूंगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूर्व परिवहन एवं शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश जैन ने अपने माफी नामे में क्या कहा। दावेदारी जनता का सहयोग, मैंने पानीपत में सरपंच भी की, चेयरमैन भी रहा, लड़े सर्वसम्मत लोगों ने बनाया। कोई वजह होगी, क्योंकि आदमी काम का प्यारा होता है, काम का प्यारा नहीं होता। 5 इलेक्शन मैंने एज ए इंडिपेंडेंट लड़े, उसका भी कोई वजह आप समझ लें। जनता का प्यार, जनता का सहयोग, और भाई देखिए काम का प्यारा होता है, आदमी काम का प्यारा नहीं होता। मैं जनता के काम आता हूँ, मेरे दरवाजे पर गरीब से गरीब आदमी मेरे बेडरूम तक पहुँच सकता है, कोई रुकावट नहीं है। और गरीब कोई औरत, आपको मैंने कहा है, आप भी कोई गरीब विधवा हो, उसकी लड़की की शादी हो, उसकी शादी हम करवाते हैं। जो आपके ऊपर आरोप लगे थे और जिस पर वो सब क्लीन चिट में, मर्डर का केस था और करप्शन का केस था, दोनों के दोनों हमें क्लीन चिट मिल गई और वो खत्म हो। अभी आपने सर बिना नाम लिए कहा, जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए आज उसकी हालत खराब हो, कौन नेता है उसके? मैं बता दूं मुझे क्या दिक्कत है, उन्हें मेरे लिए कर रखा। सतबीर कादियान को 7 साल की सजा हो गई, किया तो उसने हमारे लिए था, हम तो बच गए, हम तो ठीक ठाक निकले, लेकिन उस भाई को 7 साल की सजा हो रही है, इलेक्शन नहीं लड़ रखा, इससे बड़ी बात क्या है। आप अपने पानीपत ग्रामीण को किस पोजीशन पे देखते हैं, किससे आप? मैं चाहता हूँ कि इतना विकास करूँ ज़िंदगी में ताकि भगवान भी मेरे को अच्छी गति दे। क्या मुद्दे लेके इलेक्शन लड़ेंगे आप? मुद्दे सबसे नंबर 1 विकास का मुद्दा, नंबर 2 नौजवानों को रोजगार और उनको नौकरी देने का मुद्दा, ये मेन मुद्दे रहेंगे। आप किस पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय? अगर आप निर्दलीय लड़ते और जीतते हैं तो किस पार्टी को आप सहयोग करेंगे सर? मैंने आपको पहले कहा है, जो मेरी जनता कहेगी उससे पूछ के, साथियों के बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। सामने कोई एक प्रोजेक्ट आया हो, एक काम हुआ तो मुझे बता दो। ये तो आप पत्रकार भाई, आपको सबको पता है कि इनको ना तजर्बा है, ना इन्होंने काम करने की कोशिश की। अब इलेक्शन आ गया, कहीं कहीं गलियों में ईंटें गिरवा रहे हैं, बल्कि उखाड़ के गिर रहे हैं ताकि जनता और दुखी हो। लेकिन भाजपा कहिए 75 से पार जाएंगे इस बार? ये वो तो अपनी जुबान से चाहे जितना मर्जी कहें, मैं तो किसी पार्टी का ना टास्क करता ना किसी की पढ़ाई करता, मैं तो अपने तक और जनता तक हूँ, मैं जनता की सेवा करूँगा, ये मेरा मेन मुद्दा और मकसद। ठीक है, थैंक यू। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।